कैशलेस भुगतान डिजिधन के साथ, यानी कैशलेस पेपरलेस डिजिटल लेन देन। अब डिजिटल भुगतान के माध्यम से आप अपने हाथ में वास्तविक कागजी धन या मुद्रा के बिना भी लेन देन कर सकते हैं। डिजिटल भुगतान के लिए आपको चाहिए आपके बैंक का डेबिट कार्ड या आपका मोबाइल फोन या फिर सिर्फ आपका आधार नंबर। इनमें से अगर आपके पास कोई भी एक चीज है तो आप 6 बेहद सरल तरीकों से अपनी दिन प्रतिदिन की खरीदारी का भुगतान सीधे अपने बैंक या मोबाइल वॉलेट अकाउंट से कर सकते हैं। आधार आधारित भुगतान प्रणाली दुकानदार से खरीदारी करने का सबसे सरल तरीका है। आपको भुगतान करने के लिए कोई पासवर्ड या पिन याद रखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ स्कैनर मशीन पर अपनी उंगली रखने से आपके बैंक अकाउंट से भुगतान की राशि स्वतः कट जाएगी। यहां आपको ये अवश्य ही सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आपने सही राशि डाली है। यदि आपके पास डेबिट कार्ड और उसका पिन नंबर है तो डिजिटल भुगतान करना काफी आसान है। आपके पास डेबिट कार्ड, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड या रुपे कार्ड हो सकता है। खरीदारी करने के बाद दुकानदार को मुद्रा देने के बदले आप अपना डेबिट कार्ड दें। दुकानदार कार्ड स्वाइप मशीन में आपका कार्ड स्वाइप करेगा। उसके बाद वो आपसे पिन नंबर डालने के लिए कहेगा। स्वाइप मशीन में आपके मोबाइल की भांति बटन होते हैं। इसमें आपको बिना किसी को बताए हुए अपना 4 अंकों वाला पिन नंबर डालना होता है और उसके बाद दुकानदार आपके रिकॉर्ड के लिए आपको इस भुगतान की एक रसीद देगा। इसका मतलब कि आपका भुगतान हो गया और आपके बैंक अकाउंट से आपकी भुगतान राशि के बराबर पैसा कट गया है। पर किसी भी परिस्थिति में अपने डेबिट कार्ड का पिन नंबर किसी को ना बताएं। और ई वॉलेट का उपयोग करना तो उतना ही सरल है जितना कि व्हाट्सएप को इस्तेमाल करना। इसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन पर ई वॉलेट जैसे कि स्टेट बैंक बडी या पेटीएम या फ्री चार्ज आदि डाउनलोड करना पड़ेगा और अपना मोबाइल नंबर उस ऐप के साथ रजिस्टर करने के बाद अपने ई वॉलेट को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के साथ भी जोड़ा जा सकता है और अपने ई वॉलेट के द्वारा खरीदी गई चीज का भुगतान करने के लिए आपको उस दुकानदार द्वारा उसके बिक्री केंद्र पर दिखाया गया मोबाइल नंबर और आवश्यक धनराशि डालनी पड़ती है और आपके द्वारा भुगतान का निर्देश देते ही भुगतान हो जाता है। मगर ये अवश्य ही सुनिश्चित कर लें कि आपने सही राशि और मोबाइल नंबर डाला है और वॉलेट के विवरण की जांच कर ली है कि वॉलेट से सही राशि ही कटी है। USSD यानी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा के द्वारा भुगतान करने के लिए अब आपको एक स्मार्टफोन नहीं बल्कि एक साधारण बेसिक मोबाइल फोन ही चाहिए। बस अपने बैंक अकाउंट से अपना मोबाइल नंबर लिंक करें, फिर अपने फोन से *99# डायल करें। संक्षिप्त नाम के सामने अपने बैंक के प्रथम 3 अक्षर या IFSC कोड के प्रथम 4 अक्षर भरें। फंड ट्रांसफर MMID विकल्प चुनें। जिसको भुगतान करना है उसका मोबाइल नंबर और MMID डालें। फिर राशि और अपना MPIN डालकर एक स्पेस छोड़ें और अपने अकाउंट नंबर के 4 अंक डालें और आपके निर्देश के अनुसार आपका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को इस्तेमाल करना उतना ही सरल है जितना अपने फोन से SMS भेजना। 4 सरल प्रक्रियाओं से आपका मोबाइल फोन ही बैंक बन जाता है। इसके लिए आपको अपने बैंक में अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कराना होगा और अपने मोबाइल पर बैंकिंग ऐप जैसे कि SBI बडी डाउनलोड करना होगा और अपने लिए एक यूनिक ID बनाना होगा और एक यूनिक पिन सेट करना पड़ेगा। और इतना करने के बाद आपको बैंक में जाने की कोई जरूरत नहीं है और UPI द्वारा कहीं भी कभी भी बैंक से लेन देन किया जा सकता है। भीम ऐसा ही एक ऐप है जो सुरक्षित और भरोसेमंद है और लेन देन के कार्यों को तेजी से करने में सक्षम है। ये ऐप फीचर फोन पर भी काम करता है और इस ऐप के द्वारा प्राप्तकर्ता के मोबाइल नंबर के द्वारा सीधे प्राप्तकर्ता के अकाउंट में पैसे स्थानांतरित कर सकते हैं, अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, आप पैसे भेज सकते हैं और किसी से ले भी सकते हैं। ये ऐप कई भाषाओं में उपलब्ध है। इसके लिए मोबाइल एक्टिवेशन भी जरूरी नहीं है क्योंकि ऐप अपने आप से उपयोगकर्ता का विवरण संग्रह कर लेता है और
QR कोड द्वारा लेन देन स्वीकार करता है। इस ऐप के द्वारा भुगतान करते हुए प्रमाणीकरण भी 3 स्तर का होता है। 1, पासकोड जो आप ऐप को इंस्टॉल करते हुए बनाते हैं। 2, भुगतान का पता जो प्राप्तकर्ता का मोबाइल नंबर या उसका आभासी पता हो सकता है। 3, UPI व्यक्तिगत पहचान नंबर। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप अपना बैंक अकाउंट सही मोबाइल नंबर के साथ ही रजिस्टर करें। भुगतान करने के लिए ध्यान से प्राप्तकर्ता का सही मोबाइल नंबर भरें। अगर कोई समस्या हो तो ग्राहक सेवा केंद्र से संपर्क करें। ये ऐप सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट को ऐप के साथ जोड़ता है, इसलिए जिस बैंक अकाउंट के साथ इसको जोड़ना है उसका चयन ध्यान से करें। अगर आपको अपने कई बैंक अकाउंट्स को एक ही ऐप से जोड़ना हो तो उसके लिए बैंक द्वारा चालू किए गए UPI ऐप का इस्तेमाल करें। नेट बैंकिंग के द्वारा आप इंटरनेट से किसी अन्य के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने इंटरनेट बैंकिंग पेज पर लॉगिन करना होगा, अपना ID और पासवर्ड डालना होगा, फंड ट्रांसफर विकल्प चुनना होगा, बैंक का ब्यौरा जैसे कि अकाउंट नंबर, नाम और IFSC कोड डालकर आपको प्राप्तकर्ता को चुनना या बनाना होगा, फिर भुगतान की राशि डालनी होगी और बैंक द्वारा यथा निर्धारित एक या दोनों विकल्पों की सत्यता जांचनी होगी। इसके बाद आपको अपना पासवर्ड, डेबिट कार्ड पर लिखा हुआ CVV नंबर और OTP नंबर डालना होगा और राशि की पुष्टि करते ही प्राप्तकर्ता के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप सही प्राप्तकर्ता को चुनें और ट्रांसफर की जाने वाली राशि सही सही डालें। किसी भी परिस्थिति में किसी दूसरे व्यक्ति को ऑनलाइन बैंकिंग पासवर्ड, OTP, CVV नंबर या कार्ड नंबर न बताएं। राशि एवं प्राप्तकर्ता की पुष्टि करने के बाद ही धन को स्थानांतरित करें। कैशलेस भुगतान के अनेकों लाभ हैं, जैसे ATM के बाहर लंबी कतारें नहीं होंगी, बैंकों में कैश नहीं जैसी स्थिति नहीं होगी, आपको चेक क्रेडिट होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बटुए में नकदी पैसा ले जाने के खतरे से भी आप बचे रहेंगे और नकदी से संबंधी अपराधों में भी कमी आएगी। हाँ, पर कुछ बातें याद रखना भी जरूरी है, जैसे कि आप किसी प्रसिद्ध और भरोसेमंद एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को ही इंस्टॉल करें। एप्स डाउनलोड करने के लिए अधिकृत साइट का प्रयोग करें। अपना पासवर्ड डालते समय सावधान रहें कि कोई देख न रहा हो। अपने फोन या लैपटॉप पर गुप्त जानकारी कभी न रखें और अपना पासवर्ड ऐसा रखें जिसका अनुमान लगाना मुश्किल हो, और अपने अकाउंट विवरण की अक्सर जांच करते रहें।